कक्षा 10 से एक नया पाठ, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक है निदा फाजली जी। आइए लेखक का परिचय जान लें। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका सारा बचपन ग्वालियर में व्यतीत हुआ। निदा फाजली उर्दू की साठोस्त्री कविता के महत्वपूर्ण सतम माने जाते हैं। इनकी शेरो शायरी पाठक के दिलो दिमाग में सरलता से घर कर लेने वाली है। निदा फाजली को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए उन्हें 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं इस तरह से है, लफ्जों का पुल ये कविता संग्रह है, खोया हुआ सा शायरी संग्रह है, दीवारों के बीच एक आत्मकथा का पहला और दूसरा भाग, तमाशा मेरे आगे फिल्मी दुनिया पर लिखे संस्करणों का एक संग्रह है। निदा फाजली को सामान्य बोलचाल की भाषा में अत्यंत प्रभावशाली कविता की रचना करने में महारत प्राप्त है। इनकी गद्य रचनाओं में भी शेरो शायरी को कुछ इस ढंग से पिरोया गया है कि वे थोड़े में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी इस विशेषता ने उन्हें काफी लोकप्रिय बनाया है। इस पाठ का सार कुछ इस तरह से है, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली द्वारा लिखा एक प्रेरक लेख है। इसमें उन्होंने बताया है कि पहले मनुष्य में सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव होता था। मनुष्य दूसरों के दुख से दुखी होता था, किंतु आज मनुष्य के हृदय में दूसरे के दुख को देखकर भी दुख के भाव नहीं उमड़ते हैं। मनुष्य सारी धरती पर अपना अधिकार करता जा रहा है, जिससे अन्य प्राणी बेघर होते जा रहे हैं। लेखक के अनुसार पहले मनुष्य के हृदय में भी सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होता था। 1025 वर्ष पूर्व हुए बादशाह सुलेमान तो चींटी तक की भी रक्षा करते थे। वे स्वयं को किसी के लिए मुसीबत न मानकर सभी प्राणियों पर करुणा बरसाते थे। एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज हुए हैं। उनकी आत्मकथा में भी उनके पिता की सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना का पता चलता है। वे लिखते हैं कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे तो भोजन करते समय उन्होंने अपनी बाजू पर काले चोटे को रेंगते हुए देखा। वे तुरंत उस चोटे को उसके घर कुएं में छोड़ने चल दिए। उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। एक अन्य वर्णन नूह नाम के एक पैगंबर से भी जुड़ा है। एक बार उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कार दिया था। कुत्ते ने जवाब दिया कि कोई अपनी मर्जी से जानवर या इंसान नहीं बनता है, सबको बनाने वाला तो खुदा है। तब नूह को अपनी गलती पर इतना पश्चाताप हुआ कि वे जीवन भर एक कुत्ते को दुख पहुंचाने के दर्द से रोते रहे। लेखक कहता है कि सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने वाले और सबके प्रति करुणा का भाव रखने वाले ऐसे लोग नहीं है। अब तो मनुष्य ने सारी धरती पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया है। उसके हृदय में पशु पक्षियों, पर्वत समंदरों के प्रति कोई करुणा का भाव नहीं है। मिलजुल कर रहने की भावना भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। बस्तियां बसाने के लिए उसने पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया है, जिससे प्रकृति में असंतुलन का परिणाम है। गर्मी में अधिक गर्मी पड़ना, भूकंप, बाढ़ और नए नए रोगों का होना प्रकृति तंग आकर कई बार अपना गुस्सा भी प्रकट करती है। लेखक कहता है कि उसकी माँ के हृदय में भी सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा की भावना थी। उसकी माँ पेड़ों की पत्तियों, फूलों, दरिया, कबूतर और मुर्गे आदि में भी जीवन का महसूस करती थी और इन्हें तंग करने से मना करती थी। लेखक एक घटना का भी वर्णन करता है कि एक बार उसकी माँ ने कबूतर के अंडे को बिल्ली से बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में वह अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। उसकी माँ इस बात से इतनी दुखी हुई कि उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया पिया। उसे लगा कि उसके हाथ से पाप हो गया है और वह सारा दिन नमाज पढ़कर अपनी भूल का पश्चाताप करते रहे। लेखक के अनुसार अब काफी कुछ बदल गया है। मनुष्य लगातार बस्तियां बसाता जा रहा है, जिससे जंगलों को काटा जा रहा है। जंगलों के काटने से इसमें रहने वाले अनेक जीव जंतु बेघर हो रहे हैं, लेकिन किसी को इसकी कोई चिंता नहीं है। लेखक कहता है कि उसके फ्लैट में भी कबूतरों ने जब घोंसला बनाया तो वह परेशान हो रहा था।
उसकी पत्नी ने कबूतरों के आने जाने को रोकने के लिए खिड़की में जाली लगा दी। लेखक दुख प्रकट करता है कि अब जीव जंतुओं के प्रति किसी के हृदय में करुणा का भाव नहीं है। सभी प्राणियों से प्रेम करने वाले और दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग अब इस संसार में नहीं है। इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? उत्तर है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें और मकान बनाना चाहते थे। इसी कारण समुद्र धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी और क्यों? इसका उत्तर है, लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्तों को तोड़ने से मना करती थी। उनका विश्वास था कि संध्या के समय फूलों को तोड़ने से फूल पत्तियां बद्दुआ देते हैं और पेड़ रोते हैं। वे पेड़ों की पत्तियों और फूलों में भी जीवन का होना मानती थी। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, प्रकृति में आए असंतुलन के भयंकर परिणाम सामने आए हैं। गर्मी में अधिक गर्मी पड़ना, असम वर्षा होना, भूकंप, बाढ़ तथा तूफान आना, नए नए रोगों का बढ़ना आदि प्रकृति में असंतुलन के ही परिणाम है। आगे प्रश्न है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर काफी प्रभाव। इसके कारण मनुष्य ने समुद्र को पीछे सरकाकर उसकी जमीन पर अपने रहने की जगह बना ली है। पेड़ों की निरंतर कटाई की जा रही है तथा लगातार प्रदूषण के फैलने से पशु पक्षी बस्तियों से दूर हो गए हैं। पर्यावरण का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया है। पर्यावरण के इसी असंतुलन के कारण अब अधिक गर्मी और असमय वर्षा होने लगी है। समय समय पर आने वाले भूकंप, बाढ़ और तरह तरह की बीमारियां भी इसी का परिणाम है। बढ़ती हुई आबादी से चारों ओर वातावरण प्रदूषित हो गया है, जिससे मनुष्य का सांस लेना भी कठिन होता जा रहा है। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? बड़े बड़े बिल्डर धीरे धीरे समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर इमारतें बनाते जा रहे थे। जब इन बिल्डरों ने समुद्र की सारी जगह पर ही अधिकार करना चाहा, तो समुद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक रात तीन समुद्री जहाजों को उठाकर तीन अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक जहाज बर्ली के समुद्र के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरकर बुरी तरह टूट गया। इस प्रकार करके बिल्डरों को चेतावनी दी थी। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इन पंक्तियों का आशय है कि बढ़ती हुई आबादी के कारण मनुष्य ने अनेक बस्तियों को बसाना शुरू कर दिया है। बस्तियों के बसाने के लिए उसने जंगलों को काट डाला है, जिससे जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी बेघर हो गए हैं। बस्तियों ने इन पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ पशु पक्षी लोगों के बसने के कारण शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा पाए उन्होंने इधर उधर अपने रहने की जगह बना ली है। ये पशु पक्षी इन बस्तियों के आसपास ही मंडराते रहते हैं। एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।